जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अघोरी साधना मतलब अघोरी साधना और उसको कैसे सिद्ध किया जाए, इसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। जानना चाहते हैं अघोरी साधना के बारे में तो आप मेरे इस वीडियो पे बने रहें, और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसे भी क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार के गौतम प्राचीन तंत्र विद्या साबर मंत्रों की साधना पद्धति के बारे में आपको जानकारी मेरे YouTube में वीडियो अपलोड करते ही आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक विलक्षण साधना प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो है अवघड़ साधना और उसकी सिद्धि। ये साधना न केवल चमत्कारी वरन अत्यंत गोपनीय भी है। इस साधना को केवल बड़े जीवट वाले साधक ही संपन्न कर सकते हैं, डेयरफुल लोग ही साधना को कर सकते हैं, साहसिक लोग। मेरा यह कथन सदैव स्मरण रखें, इस साधना को केवल योग्य मार्गदर्शक के निर्देशन में ही करना चाहिए, और अगर आप मेरा यह निर्देश माने तब हानि और लाभ दोनों के ही जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो चलिए आपको बताता हूँ, यदि आप इस साधना करना चाहते हैं तो इस साधना को कैसे सिद्ध करेंगे। ये साधना शनिवार की अमावस्या को प्रारंभ करें। किसी मुर्दे की राख लाग कर उसमें शिवलिंग का निर्माण करें। साधना काल में उसे अपने सामने रखें, फिर पश्चिम की ओर मुख करके शिव तांडव मतलब शिव के जो तांडव रूप का स्मरण करें। मन में आप ध्यान में देखें, भगवान रुद्र का तीसरा नेत्र खुला है, वह चारों तरफ अग्नि वर्षा करते हुए भीषण तांडव कर रहे हैं। उनकी आंखें क्रोध में लाल है, हर वस्तु चेतन निर्जीव जो भी हो वह अपने तीसरे नेत्र से भस्म करते जा रहे हैं। वह डमरू के द्वारा सावधान करते हैं और फिर त्रिशूल से संहार करते हैं। ये रूप आपके ध्यान में रहे। काला आसन बिछाकर रुद्राक्ष की माला से, अभी जो मंत्र बताऊंगा इस मंत्र का, बिल्कुल आस्था पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जाप करें। जाप केवल शमशान में ही करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम वीर भूतनाथाय अवघड़ महेश्वराय दक्ष दक्ष हूं होम फट। इस साधना को 11 बजे रात्रि को प्रारंभ करें। इस साधना से छोटी मोटी पैसाचिक सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। इस साधना में संयम, हौसला और गुरु का बहुत ज़्यादा महत्व है। इनमें से एक भी कम होने पर साधना को स्थगित कर दें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो यह है अवघड़ साधना और उसकी सिद्धि। जानकारी कैसी लगी दोस्तों? यदि अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रकार के तंत्र मंत्र में जो रुचि रखते हैं उनको ये जानकारी प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।